मुजफ्फरपुर में सदातपुर मध्य विद्यालय के प्रांगण में एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन एवं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत तिमूल मुजफ्फरपुर डेयरी द्वारा गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ, जहां रंजीत कुमार एवं नजीर आलम द्वारा आगत अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित एनडीडीबी के प्रतिनिधि प्रबंधक स्मृति सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि शिपिंग कॉरपोरेशन द्वारा ये कार्यक्रम बच्चों में व्याप्त कुपोषण से निवारण के लिए चलाया जा रहा है। वहीं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि कुणाल ने आगंतुक शिक्षकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आग्रह किया कि बच्चों के विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम की सफलता से सामाजिक विकास के बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि तिमूल एकमात्र ऐसी संस्था है जो घी में सोन पापड़ी एवं गुलाब जामुन बनाती है। इस कलुत्व हमारे उपभोक्ताओं को निर्भीक होकर उठाना चाहिए। प्रभारी विपणन उमाकांत ठाकुर ने कहा कि दूध प्रत्येक आयु वर्ग के लिए अनिवार्य पोषक आहार है। सुधा तिमूल द्वारा उत्पादित दूध एवं प्रोडक्ट की शुद्धता एवं स्वच्छता की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उत्पादन होता है, जिसका उपयोग बिना किसी शंका के किया जा सकता है। मौके पर प्राथमिक विद्यालय बंजीला के प्रधानाध्यापक रंजीत कुमार, प्राथमिक विद्यालय बारमतपुर के शकील अंसारी मुसहर सहित दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। साथ ही तिमूल के संजय कुमार सिंह, संजीव कुमार, विकास कुमार, संतोष राजा सहित दर्जनों कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। आभार, अभिनंदन आपका। और सुधा डेयरी तो हमारा सुधा डेयरी है। कम से कम सुधा डेयरी जिस समय बना था उस समय आधी जमीन मेरी ही गई थी। तो सुधा डेयरी जैसा कि मैं कहा, कुछ जो कर्मचारी लोग थे, भाई सुधा डेयरी तो मेरे दिल पर है, मेरे कलेजे पर है। तो उन लोगों ने कहा कि आप हमारे दिल में हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और एमडी साहब का कार्यक्रम गुलचंद झा जी बहुत अच्छे हैं, इनसे तो परिचय नहीं है हमारा। डेयरी में जाना आना कम होता है, क्योंकि मैं कोई नेता होता हूँ नहीं, इसलिए डेयरी में जाने का बहुत जरूरत नहीं है। अब रहा कि दूध की उपयोगिता, और सुधा डेयरी तो हमारे गाँव का, हमने आते ही कहा कि आपका जो ये बोर्ड लगा है, इस बोर्ड पर सिर्फ एक चीज़ छुटा हुआ है कि हमारे गांव का नाम सदातपुर नहीं है, बाकी सब चीज़ आपका बहुत अच्छा है। तो कोई बात नहीं, इसके लिए इसका नाम मुजफ्फरपुर के माध्यम से बिहार का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। मतलब अगर मुजफ्फरपुर में और सदातपुर में कुछ ये इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन में अगर प्रॉब्लम होगा तो ये जाएगा कि नहीं, बिहार में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं चल सकता। तो इसलिए हमारे लिए, आपके लिए एक प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है, इसको चलाने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी और बिल्कुल ईमानदारी वफादारी से बच्चों को ये दूध मिले। ये मनाही की जा रही है कि दूध बच्चे बाहर ना लेके जाए। कारण है कि लंबे समय तक अगर वो धूप में रखेंगे उसकी क्वालिटी खराब होगी, तब वो घर में जाके पी लेंगे या पिला देंगे तो हो सकता है कि उनको थोड़ा खराब हो, ठीक है। तो इसलिए प्रयास करना है। आप में से कौन बताएगा दूध से क्या क्या लाभ मिलता है हमें? दूध से ताकत मिलती है। और क्या मिलता है? हाइट लंबी। अच्छा, लंबी भी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या छोड़ते ही लगेगी जल्दी। तो बहुत सारे फायदे हैं, दूध के, अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।